फिर से स्वागत है। भारत और अमेरिका दोनों देश कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है और इस संकट से दोनों देश मिलकर लड़ रहे हैं। इसी संकट पर हमने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से बात की। हमारे साथ हैं अभी इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैक एंड में बहुत इनका रोल रहा है। जिस तरह से सपोर्ट अमेरिका को भारत को मिला है, मदद मिली है। एम्बेसडर साहब नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप लगे हुए हैं, फोर फ्रंट में हैं, सबसे आगे आपके एंगेजमेंट्स हैं, जरा बताएंगे कि बैक एंड में किस तरह की बातचीत चली है, किस तरह का काम हुआ है, ये जो अभी सपोर्ट मिल रहा है दुनिया से, खासकर अमेरिका से भारत को इस मुसीबत के वक्त में किस तरह की बातचीत हुई? देखिए आनंद, ये एक अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक है और इसका फ्यूचर दुनिया भर में अनसर्टन और कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर में कहीं ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और इस टाइम पे इंडिया यूएस पार्टनरशिप को टैप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सरकार की और लोगों की एफर्ट्स चल रही हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसमें अमेरिका बहुत स्ट्रांगली सप्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे एडवांस्ड देश है ग्लोबली मेडिकल और टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ में, और उनकी पार्टनरशिप हमारे साथ हेल्थ केयर में, फार्मा में, S&T में और R&D में बहुत स्ट्रांग है। तो ये स्पेशली क्रिटिकल मेडिसिन में खास तौर पे, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम जो एंगेज कर रहे हैं उसका बहुत लाभ है, और उसकी जल्दी क्विक सप्लाई आई इनपुट्स और कंपोनेंट्स जो क्रिटिकल हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हैं वो फटाफट पहुंचे, और कई मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑलरेडी आपको पता है 5 फ्लाइट्स पहुंच गई हैं। हमने यहाँ पे जो यहाँ के की अधिकारी हैं व्हाइट हाउस में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, स्टेट डिपार्टमेंट में और US कांग्रेस और खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ फटाफट रास्ता कायम किया। और द फैक्ट ये 5 फ्लाइट्स, और आपको पता है कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, इसकी फोटोज भी आई हैं, ये ऑलरेडी वहां पहुंच गई हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट असिस्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर सेपरेटली आ रहा है, इंडियन कम्युनिटी भी भेज रही है और अमेरिकन लोग भी जो हैं वो आगे आ रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े होने के। अम्बेसडर साहब, मैं जानना चाहूंगा किस तरह की मदद, किस पर एग्रीमेंट्स हुए हैं और किस किस तरह की मदद अमेरिका से अब हमें मिलने की उम्मीद है, खासकर वैक्सीन पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अभी जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उस सब में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हैं इन्होंने, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले भेजे हैं, देन क्रिटिकल मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है वो सप्लाई करी है, एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे होती है उसके लिए जो क्रिटिकल सप्लाईज हैं वो सप्लाई चेन में इन्होंने प्रॉमिस किया और उसको भेज रहे हैं। हमारी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्टैक्ट है, उनके जो यहाँ सप्लाईज हैं उनसे हमने बात करी है, एंड उसके ऊपर टेक्निकल पार्टनरशिप जो हमारी एक दूसरे के सर्वेलेंस के लिए, एक दूसरे की बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए डॉक्टर फौची के साथ मैं खुद बात करी है, तो इस तरह की जो भी हमारी मदद कर सकते हैं ये कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे अम्बेसडर साहब कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच फोन पर भी वार्ता हुई, ये आपस में मिले भी हैं हाल फिलहाल में क्वाड की मीटिंग में, तो भारत यूएस संबंध कैसे हैं, इन दोनों नेताओं के बीच के संबंध कैसे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और अमेरिका में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी याद रखना है कि यहां पे कम से कम 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स हैं और यहां की वो टॉप एलीट है, वेदर मेडिकल प्रोफेशन में, आज कोई भी टेलीविजन सेट आप यहां ऑन कर लीजिए, कोई इंडियन अमेरिकन डॉक्टर बोल रहा होगा कोविड के बारे में, तो यहां एक हिंदुस्तानियों के बारे में एक बड़ी एप्रिसिएशन, एक बड़ी पॉजिटिविटी है
जो भी राष्ट्रपति अमेरिका का इंडिया गया है वो इंडिया में बहुत उसको पॉजिटिव रिसेप्शन मिली है, तो ये लोग यहाँ ये चीज को याद रखते हैं। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार का रिश्ता है, आपको याद है प्रेसिडेंट बाइडन पहले 90s में ये सेनेटर थे और सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उस टाइम पे ये काफी प्रो इंडिया रहे। इलेक्शन कैंपेन में भी अगस्त 15 को इन्होंने एड्रेस किया था इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को, बहुत पॉजिटिवली बोले थे। अक्टूबर में भी फिर इन्होंने ऑपेड लिखा था, उसमें भी पॉजिटिवली बोले थे। प्रधानमंत्री जी के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। आप 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट टाइम आए थे, फिर 2016 में जब उन्होंने यहाँ की कांग्रेस को एड्रेस किया था तब इन्होंने वहां प्रेसाइड किया था, और ये रिलेशनशिप इस टाइम पे 3 फोन कॉल्स सेपरेटली पहले 100 डेज में इन दोनों नेताओं में हुई है। और इन एडिशन जो आपने मेंशन किया, 2 समिट्स हुई हैं ऑलरेडी, इसमें से एक क्लाइमेट चेंज की थी और एक क्वाड की समिट थी। और प्रेसिडेंट बाइडन ने बड़ी क्लियरली, आपने टेलीविजन में भी देखा है, उन्होंने फ्रंट में आके अपनी सॉलिडारिटी और सपोर्ट हिंदुस्तान के लोगों के साथ और हिंदुस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की कमिटमेंट उन्होंने एक्सप्रेस करी है। और ये कमिटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा है कि सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन जो कोविड के रिलेटेड है, स्पेशली रेमडेसिविर, ये सब चीजों में यूएसए ने ऑलरेडी 5 प्लेन्स पहुंच गए हैं और बाकी के आ रहे हैं। और एक और एरिया मैं बताना चाहता हूं, वो यूएस कांग्रेस का है। देखिए, यूएस कांग्रेस के साथ भी हमारी दोनों पार्टियों में दैट इज बाईपार्टीजन सपोर्ट रही है। कम से कम 150 कांग्रेस के मेंबर्स जिन्होंने मेरे से बात करी है, सब ने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हमारे लोगों को एक्सप्रेस करी है। और यहाँ के गवर्नर्स से भी मेरे को कॉल आई है, वो भी इस चीज में बड़े क्लियर हैं कि हिंदुस्तान को इस टाइम पे जब इंडिया को जरूरत है, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ, जो राष्ट्रपति बाइडन ने खुद कहा है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे। और वो एविडेंस ऑलरेडी दिख रहा है, आगे के दिनों में और दिखेगा, जो जो हमें सपोर्ट चाहिए वो आएगी। और लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ की यूएस इंडस्ट्री है, वेदर फाइजर, वॉलमार्ट, फेडेक्स, डेल, यूनाइटेड, जो भी सप्लाई चेन वाले हैं, थॉमस फिशर एक्सेट्रा, जो इनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ने, फॉर एग्जाम्पल गिलियड ने 450,000 डोजेस ऑफ रेमडेसिविर सप्लाई करी है। इनकी सरकार ने ऑलरेडी 1.25 लाख डोजेस सप्लाई करी है। तो इनकी टॉप कंपनीज, वेदर डेलॉयट, मास्टर कार्ड, वॉलमार्ट, फेसबुक, ये सब आउट ऑफ द वे जाके इंडिया को इस टाइम पे सपोर्ट करना, ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे इंडिया पे प्रेशर है और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये थे